नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। तो दोस्तों, अभी जो टैली टीडीएल कोर्स की दो वीडियोस मैंने डाला था, हाउ आई मेक टैली टीडीएल करके, उसमें जो पहला वीडियो था अपना, जिसमें मैंने स्टॉक जर्नल समरी में कुछ अपने फील्ड्स ऐड करके रखे थे स्टॉक आइटम्स के, वैसे ही मैंने आपको बोला था कि ऐसे ही आप लेजर्स के भी फील्ड ऐड कर सकते हो, वाउचर्स के भी फील्ड ऐड कर सकते हो। लेकिन आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि आपको फील्ड लेजर्स और वाउचर्स वाले नहीं मिल रहे हैं, तो टैली का स्कीमा है वो चेंज होते रहता है। तो आज अपन वही चीज पता करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी लिस्टिंग है जिसको अपन यूज कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं टैली के अंदर में, और मान लीजिए जो चीजें उस लिस्टिंग के अंदर में अगर नहीं भी है तो उसका यूज कैसे करेंगे। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। ये वीडियो देखने के बाद में आपके सारे प्रॉब्लम्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है इन सभी लिस्टिंग्स को जिसका हम लोग यूज कर सकेंगे, सेम वैसे ही जैसे अपना पहले वीडियो में यूज किए थे स्टॉक आइटम के लिए। तो दोस्तों, टैली टीडीएल कोर्स के हाउ आई मेक टैली टीडीएल के फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि मैं यहां पे जा रहा था कैलकुलेटर के अंदर में और यहां पे टाइप कर रहा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टॉक आइटम और एंटर कर रहा था, यहाँ पे स्टॉक आइटम का डिटेल आ जा रहा था और इसी का यूज करके एक टीडीएल हम लोग क्रिएट कर ले रहे थे, इसके फील्ड्स को वहाँ पे कलेक्ट कर ले रहे थे, फेच कर ले रहे थे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे टाइप करें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वाउचर, ठीक है, तो यहाँ पे टीडीएल में एरर आ रहा है कि ऐसा कोई कलेक्शन नहीं बना हुआ है इस टैली के अंदर में वाउचर नाम से। तो अभी मैं टैली यूज कर रहा हूँ दोस्तों, टैली 4। अगर आप यही चीज़ टैली आरपी 9 वगैरह में चेक करेंगे तो उसमें ये चीज़ें आपको दिख जाएंगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लेजर करेंगे डिटेल आ जाएगा। लेकिन ये टैली 4 हो गया या प्राइम के और भी जो वर्जन है लेटेस्ट वाले, उसमें नाम जो है वो चेंज हो चुका है, कलेक्शन का नाम वो है चेंज हो चुका है। तो अपने को कैसे पता चले कि इसमें कौन कौन से कलेक्शन हैं इस टैली के अंदर में, तो जिससे हम लोग अपना डेटा कलेक्ट कर सकें, डेटा को फेच करके एक टीडीएल प्रॉपर तरीके से बना सकें, जो भी अपनी रिपोर्ट्स चाहते हैं वो रिपोर्ट्स ला सकें। तो दोस्तों, अपने को कौन कौन सी लिस्ट है इसके अंदर, कौन कौन से अपने कलेक्शन ऐड हैं टैली के अंदर, वो पता करने के लिए आपको कैलकुलेटर में यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे टाइप करेंगे सेलेक्ट, डॉलर के साथ में लिखना है नेम, फ्रॉम ODBC टेबल्स, ठीक है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम ODBC टेबल्स करके लिखना है, उसके बाद एंटर करेंगे। आप एंटर करेंगे ये अपने को नेम सभी मिल जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं 239 के आसपास नेम है। Alt E करके इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं एक्सेल के अंदर में, यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो अब इसमें जो भी नाम दिए हुए हैं आप उसका यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लेजर करके भी नाम है तो आप लेजर यूज कर सकते हैं, स्पेलिंग आपको इस तरीके से लिखना है, कॉस्ट सेंटर है, गोडाउन है, स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक आइटम है, तो ये जो भी चीज़ें, वाउचर टाइप लिखा हुआ है, तो ये जो भी नाम यहाँ पे दिए हुए हैं ये सभी नाम को आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं वहाँ पे। अगर जैसे अब यहाँ पे लेजर वाला जो नाम दिया हुआ है इसको अपन एक बार यूज करके देखते हैं, इसको मैं एक बार बैक करता हूँ, कंट्रोल एन करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेजर, ठीक है, तो लेजर वाला है उसमें, क्योंकि लेजर की लिस्टिंग उसमें दी हुई है इसलिए लेजर का आ रहा है। अब इसमें हो सकता है आपका वाउचर का ना हो, तो वाउचर वाले को अपन दूसरे मेथड से यूज कर सकते हैं, दूसरे मेथड से निकाल सकते हैं उसको। तो एक मेथड तो ये हो गया कि आपने ODBC टेबल्स जो भी है उसको आपने एक्सट्रैक्ट किया टैली से, यहाँ पे बाहर निकाल लिया, अब इसका आप यूज कर सकते हैं। आपको बस ये नाम वहाँ पे डालना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेरोल कैटेगरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल कॉस्ट सेंटर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, तो इस तरीके से आप वहाँ पे नाम दे के, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्राइज लिस्ट, इस तरीके से नाम दे के आप सारा का सारा डिटेल टैली से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपने समुद्र मंथन का तो नाम सुना ही होगा, ठीक उसी तरीके से ये सभी नाम का यूज करके आप टैली मंथन कर सकते हैं, आप टैली के अंदर के सारे डिटेल्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये तो बात हो गई कि यहाँ पे जो भी लिस्ट दिए हुए हैं आप उसी लिस्ट का निकाल पाएंगे। अब चलिए वाउचर का देखते हैं कैसे निकालना है, हो सकता है इसमें आपको वाउचर वाली चीज़ें ना मिल पाए या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ना मिल पाए, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, अपने को और भी अगर नाम का पता करना है कि कौन कौन से नाम है अपने कलेक्शन में टैली के अंदर में, तो वो आप यहाँ पे टैली प्राइम डेवलपर ओपन कर सकते हैं उसके लिए, और यहाँ कंट्रोल जे करेंगे, इधर आपको डेफिनेशन टाइप कलेक्शन सिलेक्ट कर लेना है, तो जो भी कलेक्शन के नाम है आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे।
अब इसमें से बहुत सारे नाम हैं जो अपने, हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी हों जो पुराने टैली के हों या बिना अपने यूज वाले हों, तो आप एक बार इसमें सर्च कर सकते हैं। इसमें जीएसटी वगैरह से रिलेटेड भी बहुत सारे कलेक्शन रिपोर्ट हैं, तो आप जीएसटी जैसे टाइप करेंगे वो आते जाएंगे। तो आपको हो सकता है कि एक करके चेक करना पड़े कि आपके काम का कौन है कौन सा नहीं है, तो आप यहाँ से कलेक्शन को एक बार देख सकते हैं। तो फिलहाल तो दोस्तों अभी मैं चाहता हूँ कि टैली से मैं वाउचर्स का मंथन करके उसको बाहर निकालूँ, कौन से डिटेल अपने वाउचर के अंदर छुपे हुए हैं टैली में। तो उसके लिए अपने को यहाँ पे एक छोटा सा TDL बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ फाइल में चले जाता हूँ, न्यू फाइल करके ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में एक नाम दे देता हूँ, लर्न वेल वाउचर कलेक्शन करके। ठीक है, मैंने नाम दे दिया लर्न वेल वाउचर कलेक्शन, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं कोड लिखूँगा और जो भी मैं कोड लिखूंगा यहाँ पे लर्न वेल वाउचर कलेक्शन करके ये जो फाइल बनी हुई है इसी के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपने को यहाँ पे एक ब्रैकेट लेना है, इसमें लिखेंगे कलेक्शन। कलेक्शन लिखने के बाद में आपको यहाँ पे एक नाम दे देना है, तो मैं यहाँ भी लर्न वेल VCH कलेक्शन करके ऐसा नाम दे देता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या नाम दिया हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों टाइप, आपको टाइप कौन सा चाहिए कैसा चाहिए आपको बस यहाँ पे उसको लिख देना है। तो यहाँ पे अपने को वाउचर चाहिए तो वाउचर लिख देंगे, स्टॉक आइटम चाहिए स्टॉक आइटम लिख देंगे, लेजर चाहिए लेजर लिख देंगे। इस तरीके से आपका एक कलेक्शन बन जाएगा, आप खुद का एक कलेक्शन बना सकते हैं। तो बस इतना ही करना था अपने को, यही दो लाइन था। इसके बाद इसको सेव करते हैं और टैली के अंदर लोड कर देते हैं। तो यहाँ पर चले जाना है दोस्तों हेल्प में, TDL एंड ऑन मैनेज लोकल TDL, जैसे अपन नॉर्मल TDL को यूज करते हैं सेम इसको भी अपने को वैसे ही लोड करना है। डेस्कटॉप में है लर्न वेल वाउचर कलेक्शन, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये अपना लोड होके आ गया है, लोडेड करके दिखा रहा है। अब अपने को फाइंड कैसे करना है, निकालना कैसे है डिटेल को, तो ये जो अपन नाम दिए हैं यहाँ पर लर्न वेल वाउचर कलेक्शन करके, इसको आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पर चलेंगे कैलकुलेटर में ही अपने को जाना है, कंट्रोल एन करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और जो भी नाम आपने वहाँ पे कलेक्शन का दिया है जो अभी कॉपी किए थे उसी को आपको पेस्ट करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लर्न वेल VCH कलेक्शन करके एंटर करते हैं। अब आप देख सकते हैं वाउचर का सारा डिटेल यहाँ पे निकल के आ गया, कौन सी डेट में सेल हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारा का सारा जो हेडिंग है सारा डिटेल है। अब ये सभी डिटेल्स को यूज करके आप अपनी खुद की छोटी मोटी TDLs जो भी है आप सारे डिटेल डाल के बना सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड डिटेल है वो यहाँ से यूज कर लेंगे। अब इन सबको यूज कैसे करना है दोस्तों, तो उसके लिए आपको हाउ आई मेक टैली TDL वाली फर्स्ट वीडियो जरूर देखना है, उसमें एकदम क्लियरली आपको सारा कुछ बताया हुआ है कैसे यूज करेंगे यहाँ के डिटेल्स को अपन TDL बनाने के लिए। और आप सेकेंड वीडियो भी देखिए, अगर आपको अपनी रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें यूज करनी है, अपना खुद का रिपोर्ट भी टैली के अंदर आप चाहते हैं ऐड करना कैसे यूज करेंगे, वो आपको सेकेंड वीडियो हाउ आई मेक टैली TDL वाली में बताया हुआ है। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइए कमेंट करके, वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि इस टाइप के और कोर्स आपको कहीं पूरे इंटरनेट पर नहीं मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में बहुत ही जल्द, थैंक यू।